बरहमकेला में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बरहमकेला बस स्टैंड से सुभाष चौक तक कार को धक्का देकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस बरहमकेला द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। आज तक के इतिहास में पहली बार देश में डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा है और देश भर में पिछले 6 वर्षों से पेट्रोल डीजल पर जारी लूट के खिलाफ बरहमकेला बस स्टैंड से सुभाष चौक तक कार को धक्का देकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े, जिला अध्यक्ष अरुण माड़कार, जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़, वरिष्ठ नेता सूरज तिवारी, जिला प्रवक्ता गोल्डी नायक सहित सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज युवा कांग्रेस बरहमकेला के तत्वाधान में केंद्र की मोदी सरकार जो आज 18 से 20 रोज लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, इससे आम जनता बहुत हलाकान हो रहे हैं, पूरा देश की जनता हलाकान है। केंद्र की मोदी सरकार इस वादों के साथ तेल के दाम सस्ता करने के नाम पर सत्ता पे आई हुई है, वो आज निरंकुश हो चुकी है और तेल पेट्रोल डीजल के जितने भी उत्पाद हैं आज बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं। आज युवा कांग्रेस पूरा बरहमकेला कांग्रेस परिवार आज विरोध प्रदर्शन करते हुए आज हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी कि आज हम जो मोटरसाइकिल या कार जो भी छोटा गाड़ी रखे हुए हैं आज धक्का दे के चलाने की स्थिति में है, साइकिल पे चलने की स्थिति में मोदी सरकार ला दी है। जो 70 सालों में कोई सरकार जो नहीं कर पाई वो आज केंद्र की मोदी सरकार कर दी है। आज हमेशा आप जानते थे कि डीजल पेट्रोल से सस्ता होता था लेकिन आज डीजल बहुत पेट्रोल से भी महंगा हो चुका है, ये बात समझनी होगी। अब केंद्र की मोदी सरकार से हम अपील करेंगे कि देश की जनता जो आज कोरोना महामारी से ग्रसित है और कोरोना महामारी में कम से कम देश की जनता को राहत दिलाए और पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। सरिया पुसौर से रेशम लाल दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।